तुमची स्वप्ने माझा संकल्प 4 जून नंतरही याच ताकदीनं काम करणार, पंतप्रधान मोदींचं जनतेला आश्वासन. तुमची स्वप्ने मोदींचा संकल्प 4 जून नंतरही याच ताकदीनं आणि मेहनतीनं काम करणार असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिलं आहे. श्रीकांत शिंदे, कपिल पाटील आणि नरेश म्हस्केंच्या प्रचारासाठी कल्याणमध्ये पंतप्रधान मोदींची सभा आयोजित करण्यात आली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या भूमीला माझा नमस्कार असं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी भाषणाची मराठीतून सुरुवात केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांना श्रद्धांजली अर्पित करतो. मी कल्याणभूमीवर आपला आशीर्वाद मागायला आलेलो आहे. पहिल्यांदा प्रत्येक घरात पाणी येताना बघत आहे. देश पहिल्यांदा 25 कोटी भाऊ बहिणींना गरिबीतून बाहेर पडत असल्याचं बघत आहोत. पहिल्यांदा गरिबांजवळ आजारपणात मोफत उपचारासाठी गॅरंटी कार्ड आहे. गरिबांना पहिले प्राधान्य दिले आहे. गरिबांसाठी घरे बांधण्याचं काम सुरू आहे असंही मोदींनी म्हटलं आहे. मोदीजी, इतना आत्मविश्वास. मुद्दा मोदी के आत्मविश्वास का नहीं है, मुद्दा जनता जनार्दन का अरसपरस विश्वास का है. लेकिन मैं जब कल काशी में था और बहुत सारे नौजवानों को इस समय चुनाव अभियान में मेरा मिलने का हुआ, मैं देख रहा हूं कि देश का नौजवान, उसके पास एक नई कल्पकता है, नए आइडियाज है, हर चीज को नए तरीके से करने का उसका तजुर्बा है. और इन दिनों जो मेरी उनसे बातचीत हुई है तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं. अब मैं कोई लाखों नौजवानों के साथ तो बातचीत करना संभव नहीं हुआ मेरे लिए, लेकिन मैं देश के युवाओं को एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं. क्योंकि इन दिनों जो मैं नौजवानों को मिला हूं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं. तो मेरा मन करता है कि जो मेरा 100 दिन का विजन है, इसको मैं 125 दिन का पीरियड तय करूं, और जो 25 दिन नए मैं जोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान, उनके मन में जो ख्याल आए वो मुझे भेज दें, मैं उसमें से छांट करके ये 25 दिन बढ़ा करके मैं उसमें उसको शामिल करना चाहता हूं. क्योंकि मैं मानता हूं कि अब देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर पल नया विश्वास, नए सपने, नए संकल्प, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि देश के नौजवान मुझे वो सुझाव देंगे जो नॉर्मली हम लोगों की सोच में नहीं होते हैं, उसमें नयापन हो, भविष्य के लिए नक्कर बातें हो. और मैं चाहता हूं कि मैं इन युवाओं को लेकर के उनके विचारों के लिए 100 के दिनवा मला मेरा टाइम टेबल तो है ही है, अतिरिक्त 25 दिन का टाइम टेबल, उस दिशा में मैं सोच रहा हूं. मतलब कि करीब 4 महीने मैं बहुत तेजी से ऐसा फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूं जिसके कारण मेरा 2047 का जो लक्ष्य है ना, वो और निकट भास आने लगे. और इसलिए मोदी का तो मंत्र है, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है. और आपके सपनों को जिसने मैंने संकल्प बनाया है, उसको सिद्ध करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम,
और इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047। ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी, कल्याण।